आइए जानते हैं पिछले साल कैसे रहे किसान भाइयों के सितारे, पिछले साल किसान भाइयों को क्या लाभ मिला और कितनी हानि हुई, गांव में बिजली की पहुंच बढ़ी, फसलों के लिए आई बीमा योजना, इंटरनेट की पहुंच गांव में बढ़ी, धान के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी हुई, संकर धानों से चावल के वसूली में 3% छूट का ऐलान किया, खेती का मशीनीकरण हुआ और इसके साथ ही बाजार में बेहतर उपज वाले बीजों की उपलब्धता रही। इसी के साथ ही किसान भाइयों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे जानकारी के अभाव में बाजार में भ्रमित होकर किसान भाइयों ने उच्च गुणवत्ता और भरोसेमंद बीज का इस्तेमाल नहीं किया, जानकारी के अभाव के कारण तेला कीट, तना छेदक और कंडुआ रोग जैसे कीटों और रोगों का भारी प्रकोप रहा, जागरूकता की कमी और दानों के अधिक टूटने के कारण पैदावार का उचित मंडी भाव नहीं मिला, छोटी बालियों, दानों में कम वजन, फसलों के गिरने से पैदावार घटी। आइए अब देखते हैं साल 2019 का किसान वर्ष फल, जिसमें कैसे चमकेंगे किसानों की किस्मत के सितारे और कैसे करें सुनहरे भविष्य की तैयारी। बाजार में जाके भ्रमित न हों, अपने विवेक से उच्च गुणवत्ता और भरोसेमंद बीज का चुनाव करें, रोगों और कीटों को लेकर जागरूक रहें और सही वक्त पर उपचार करें, सही वक्त पर सही मात्रा में खाद, दवा और पानी का इस्तेमाल करें, बालियां लंबी, दानों में ज्यादा वजन और फसल के न गिरने से पैदावार में होगी बढ़ोतरी, दानों के कम टूटने से पैदावार का उचित मंडी दाम लिया जा सकता है। अब सवाल है कि ये कैसे संभव है। इन्हीं विशेषता को ध्यान में रखते हुए कृषि आधारित अग्रणी कंपनी डू पॉइंट पायोनियर लाई है नया संकर धान 28P67। चावल टूटे कम, खड़ा रहे हरदम। 28P67 एक ऐसा बीज जो दे गुच्छेदार बड़ी बालियां, जो हर हाल में हरा रहे और खड़ा रहे, और तो और इसके ज्यादा वजनदार और कम टूटते दाने पैदावार को बढ़ाएं। जहां 28P67 के हर पौधे के गुच्छेदार बड़ी बालियों से अधिक दाना मिलता है, जो अन्य संकर धानों के मुकाबले वजनदार होता है, जिससे किसान भाइयों को ज्यादा उपज और ज्यादा मुनाफा मिलता है। सूरज की रोशनी, 28P67 के पत्तियों की हरियाली और तने की अधिक मोटाई इसे मजबूत बनाए रखे, जिससे 28P67 हमेशा हरा रहे और खड़ा रहे। 28P67 की मजबूत जड़ें मिट्टी में मजबूत पकड़ बनाए और तेज हवाओं से बचाए। 28P67 के पौधे न गिरने की वजह से फसल कटाई में कम लागत लगती है और मशीन कटाई में भी आसानी रहती है। नई पीढ़ी का बेहतर संकर बीज होने के कारण 28P67 के दाने कम टूटते हैं। वहीं कुछ क्षेत्रीय सरकारों ने संकर धानों पर 3% छूट देने का ऐलान किया है, जिस वजह से 28P67 की पैदावार से अधिक मुनाफा मिलता है। इन्हीं खासियत की वजह से देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में अन्य संकर धानों के मुकाबले 28P67 ने बेहतर पैदावार दिया है, जिससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि डू पॉइंट पायोनियर 28P67 धान के दंगल का विजेता है। उत्तर प्रदेश में जहां अन्य संकर धानों की प्रति एकड़ 24 क्विंटल पैदावार रही, वहीं 28P67 धान की प्रति एकड़ 27 क्विंटल औसत उपज हुई। ऐसे ही झारखंड में 28P67 की पैदावार प्रति एकड़ 25 क्विंटल और अन्य संकर धानों की उपज 21 क्विंटल प्रति एकड़ रही। बिहार राज्य में भी 28P67 बना धान के महादंगल का विजेता, अन्य से प्रति एकड़ 3 क्विंटल अधिक पैदावार देकर 28P67 के संकर बीजों ने किसान भाइयों के मुनाफे में बढ़ोतरी की। इसके साथ ही ये रिपोर्ट साफ करती है कि पुराने जेनेटिक्स के बीजों की तुलना में उच्च जेनेटिक्स गुणों का बीज अधिक रिकवरी देता है, जिससे मिलर को अधिक फायदा होता है और यही फायदा किसान भाइयों के लिए बेहतर मुनाफा लेकर आता है। अलग अलग इलाकों के राइस मिलर ने प्रमाणित किया है कि 28P67 धान का दाना अन्य के मुकाबले कम टूटा है। धान के महादंगल का विजेता ड्यू पॉइंट पायोनियर का 28P67 संकर धान अन्य से बेहतर उपज और बेहतर बाजार भाव 28P67 को धान के महादंगल का विजेता तो बनाता ही है, तो आज ही अपनाएं बेहतर उपज के लिए 28P67 संकर धान। सफल धान खेती हेतु 5 सरल उपाय। 1. नर्सरी प्रबंधन, स्वस्थ शुरुआत, ज्यादा पैदावार। 2.
33 पौधे प्रति वर्ग मीटर का वादा, 10% उपज ज्यादा। नाइट्रोजन का सही इस्तेमाल, स्वस्थ फसल, किसान खुशहाल। सही मात्रा में पोटाश लगाओ, ज्यादा एवं वजनदार दाने पाओ। कीटों बीमारियों से बचाओ, ज्यादा पैदावार पाओ। कृषि विषय में कोई भी जानकारी के लिए हमें फोन या एसएमएस करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं 1800-103-9799 और 9000-006-6666।